परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ये दूसरा क्लास है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप दूसरा क्लास देखने से पहले पहला क्लास देखे होंगे, क्योंकि पहले क्लास में सारा कंसेप्ट दिया गया था। अब हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे जो पहले वीडियो में नहीं देख पाए थे। आज का क्वेश्चन क्या होगा देखिए। क्वेश्चन कहता है जीरो जीरो एक दो तीन चार पाँच से चार अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन साधारण है लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ऐसा सवाल। जीरो एक दो तीन चार पाँच। अब आइए, पहले घर को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? पहले घर को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? तो आप कह सकते हैं छः, लेकिन छः नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले घर में शून्य नहीं आएगा, पहले घर में जीरो नहीं आएगा। आपका सवाल उठ सकता है क्यों पहले घर में जीरो आने से क्या दिक्कत है। तो पहले घर में जीरो आने से क्या दिक्कत है ये देख लीजिए आप। अगर पहले घर में जीरो ले लें तो संख्या इस टाइप का हो सकता है, तो क्या ये चार अंकों वाली संख्या होगी? क्या ये चार अंकों वाली संख्या होगी? क्या जीरो का वैल्यू यहाँ होगा? क्या ये संख्या तीन अंकों वाली हो जाएगी? तो पहले घर में जीरो नहीं, समझ गए होंगे आप। अब आइए, पहले घर में जीरो नहीं तो कितना ऑप्शन बचा? आपके पास पांच ऑप्शन बचा, यानी पहले घर को कितने तरीके से आप भर सकते हैं? पांच तरीके से। अब आइए दूसरे घर को। पहले घर में कोई एक इसमें आ गया होगा, या तो एक आ गया होगा या दो तीन चार पाँच, कोई ना कोई तो आया होगा। मान लीजिए एक आ गया होगा, तो अब बचा क्या? दो तीन चार पाँच। लेकिन जीरो कहता है कि अब हम दूसरे घर में तो आ सकते हैं। पहले घर में जीरो को लाना दिक्कत था, लेकिन दूसरे घर में जीरो को तो ला सकते हैं। तो फिर देखिए तो कितना ऑप्शन है, फिर आपके पास पांच ऑप्शन है। अब कोई ना कोई इसमें आ जाएगा, मान लीजिए जीरो ही आ गया, तो आगे कितना ऑप्शन बचता है आपके पास? दो तीन चार पाँच, चार ऑप्शन बचता है। कोई एक इसमें आ जाएगा तो आगे कितना ऑप्शन बचेगा? तीन ऑप्शन बचेगा। तो कितने तरीके से संख्या कितना संख्या बनेगा चार अंकों वाली, ये आपका आंसर है। 25 चौक 100 गुना 300, 100 गुना 3 300। यानी अगर सवाल आपका कह रहा है कि इन सभी डिजिट से चार अंकों की कितनी संख्याएं बनेगी, तो आपका आंसर होगा 300। हम लोग 300 संख्या बनाएंगे जो चार अंकों वाली होगी, और कोई कंडीशन नहीं है। हालांकि कंडीशन बहुत होगा। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें जहां इस टाइप का बहुत कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। देखिए अगला सवाल आपका, दो तीन चार पाँच छः जीरो से 400 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अब क्वेश्चन आप देखिए क्या कहता है, 400 से बड़ी और 1000 से छोटी। 400 से बड़ी और 400 से बड़ी जो होगी वो तीन अंकों वाली होगी, और 1000 से छोटी जो होगी वो भी तीन अंकों वाली होगी। मतलब 400 से बड़ी और 1000 से छोटी जितनी भी संख्याएं होगी वो तीन अंकों वाली। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि हमको संख्याएं बनानी है तीन अंकों वाली। कंडीशन क्या है कि 400 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो तीन अंकों वाली तो क्लियर हो गया ना, तो तीन घर बनाइए। अब आइए आप देखिए, दो तीन चार पाँच छः जीरो, पाँच छः और जीरो, क्या ये सभी से पहले घर को भर सकते हैं? क्या नहीं। क्वेश्चन कहता है 400 से बड़ी, तो 400 से बड़ी अगर पहले घर में हम दो रख लें तो काम चलेगा क्या? पहले घर में दो रख लेंगे तो संख्या इस प्रकार का हो जाएगा, मतलब 400 से बड़ी का कंडीशन फेल हो जाएगा। मतलब किसी भी सूरत में पहले घर में दो नहीं चलेगा, पहले घर में तीन नहीं चलेगा, और पहले घर में जीरो नहीं चलेगा, क्योंकि जीरो आ गया तो संख्याएं दो अंकों वाली हो जाएगी। ये आप पहले क्वेश्चन में समझ चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि पहले घर में कौन आएगा, पहले घर में चार पाँच छः, कितने तरीके से? तीन तरीके से, ठीक। अब दूसरा घर देखिए, दूसरे घर में सब आएगा, दूसरे घर में कोई कंडीशन नहीं है, किसी के आने जाने से कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले घर में कोई एक इसमें आ गया होगा, मान लिया जाए दो ही इसमें आ गया होगा, तो बचा क्या होगा? एक दो तीन चार पाँच। अब क्या लेंगे हम लोग यहाँ? पांच तरीका। आगे फिर इसमें कोई एक आ गया होगा तो आगे कितना बचेगा?
चार तरीका, तो आपके पास कुल कितने वर्ड संख्या बनेंगे, तो 5 × 3 = 15 = 64। यानी क्वेश्चन कह रहा है 400 से बड़ी और 1000 से छोटी कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो आपका आंसर होगा 60, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। अगला सवाल कहता है 1, 2, 3, 4 से चार अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 4 से विभाज्य हो। अब देखिए यहां क्वेश्चन क्या कहता है, 1, 2, 3, 4 से चार अंकों वाली संख्याएं बनानी है, कंडीशन क्या है, संख्या 4 से विभाज्य हो। अब 4 से विभाज्यता का रूल आपको जानना पड़ेगा, 4 से विभाज्यता का रूल आपको जानना पड़ेगा जो आप जानते हैं। देखिए 4 से विभाज्यता का रूल क्या है, अंतिम दो अंक जो होना चाहिए वो 4 से विभाज्य होना चाहिए, अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे संख्या है 3, 5, 4, 2, 2, 4, ये 24 4 से कट रहा है ना, तो संख्या भी 4 से कटेगा। यानी हमको सिर्फ ये जानना था कि संख्याएं 4 से विभाज्य होने के लिए अंतिम दो अंक 4 से कटना चाहिए, तो अंतिम दो अंक 4 से कटने के लिए अंतिम दो अंक 12 होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, अंतिम दो अंक क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। अब 12 मतलब 1 और 2 यहाँ फिक्स होना चाहिए, तो ये दोनों फिक्स हो गया तो बदलेगा कौन, ये दोनों तो फिक्स हो गया तो बदलेगा कौन, तो पहले घर में या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा, कितने तरीके से, दो तरीके से, कोई एक इसमें घर में इस घर में आ जाएगा तो दूसरे घर में सिर्फ एक तरीका, तो कितना कितना अंक संख्या बनेगा, तो आपका आंसर होगा 2, आपका आंसर होगा 2। लेकिन 12 ही होगा ये जरूरी तो नहीं है, फिर आप कह सकते हैं कि अंतिम दो अंक 24 भी तो हो सकता है, क्योंकि 24 भी 4 से कटता है, तो जो जब 24 होगा तो फिर दो तरीका होगा उसी तरह, फिर अंतिम दो अंक 32 भी हो सकता है, और अंतिम दो अंक 32 होगा तो फिर यहाँ दो तरीका होगा, तो कुल मिलाकर कितना तरीका होगा, 6 तरीका होगा, दो तरीका इस कंडीशन में, दो तरीका इस कंडीशन में, दो तरीका इस कंडीशन में, तो कुल कंडीशन कितना होगा, 6, कुल संख्या कितना बनेगा, 6। क्वेश्चन कहता है 1, 2, 3, 4 से चार अंकों की कितनी संख्याएं बनेगी जो 4 से विभाज्य होगी, तो आंसर होगा 6, 6 से अधिक संख्या नहीं बनेगा। अब आप कह सकते हैं किसी और को रख के हम 4 से विभाज्य करा लें, तो इन चारों में अब कोई ऐसा संख्या नहीं होगा जो 2 को उठाकर अंतिम में रखेंगे तो 4 से विभाज्य होगा, वो एक संख्या 12 था, एक संख्या 24 था, एक संख्या 32 था, अब किसी को रख लेंगे ऐसा संख्या नहीं होगा, तो यही 3 कंडीशन है जो 4 से विभाज्य है, तो यही कंडीशन होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि और कुछ लिख देंगे तो 4 से विभाज्य नहीं होगा, हमारा कंडीशन फेल हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें, अगले क्वेश्चन में फिर अलग कंडीशन होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से पांच अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है जो 5 से विभाजित हो तथा जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अभी जितना सवाल देख रहे हैं जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा भी सवाल लेंगे जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो, चाहे उसी सवाल में हम लोग समझ सकते हैं अंकों की पुनरावृत्ति हो तो क्या करेंगे। देखिए यहाँ क्या कहता है, यहाँ मेन कंडीशन क्या है, यहाँ जो कंडीशन है वो ये है कि 5 से विभाज्य हो, संख्या क्या हो, 5 से विभाज्य हो, संख्या 5 से विभाज्य हो। अब 5 से विभाज्य होने के लिए क्या करना है, आइए देखते हैं। 5 अंकों की संख्या बनानी है, सबसे पहला बात क्या दिया हुआ है, 5 अंकों की संख्या बनानी है, 5 अंकों की संख्या बनाने के लिए 5 घर लेना है, और क्वेश्चन बोला 5 से विभाज्य हो, 5 से विभाज्य होने के लिए अंतिम में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो 0 का कंडीशन अलग होगा और 5 का कंडीशन अलग होगा, तो एक बार 0 रख के देखेंगे, एक बार 5 रख के देखेंगे। अंतिम घर में हम 0 रख लेंगे तो 5 से तो कटेगा ही, आगे कुछ भी रख लीजिए 5 से कटेगा। अब पहले घर में कौन आ सकता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 0 तो हमने फिक्स कर दिया, यहाँ 0 को वहीं होना होगा, किस लिए, 5 से कटने के लिए।
अब बचा कौन? पांच। ये पांचों इस घर में आ सकता है ना? आ सकता है। इस घर में कौन आ सकता है? चार। इस घर में कौन आ सकता है? तीन। इस घर में कौन आ सकता है? दो। तो 20 और एक गुना 6 120। कुल कितना तरीका बना? 120 संख्या तब बना जब जीरो लास्ट में था। लेकिन एक और कंडीशन हो सकता है। क्या? एक और कंडीशन ये हो सकता है कि अंतिम में पांच हो। अंतिम में क्या हो? पांच हो। क्या लास्ट में जीरो होने से ही पांच से कटेगा? लास्ट में पांच होने से भी पांच से कटेगा। तो एक कंडीशन हमने क्या लिया? जीरो जब लास्ट में था तब। अब अंतिम में हम पांच लेंगे, इकाई अंक हम पांच लेंगे, तो भी पांच से कटेगा। तो संख्या क्या होगा? आइए, पांच को तो हमने फिक्स कर दिया, अब बचा क्या? यहां गौर से देखिए, जीरो एक दो तीन चार, और पांच नहीं लेंगे क्योंकि पांच को तो हमने यहां फिक्स कर दिया, और पहले घर में जीरो आएगा नहीं। पहले घर में जीरो नहीं, क्योंकि पहले घर में जीरो आया तो पांच अंकों वाली संख्या नहीं होगी। तो पहले घर में कौन? एक दो तीन चार। पहले घर में कितने तरीके से? चार तरीके से। दूसरे घर में कितने तरीके से? फिर चार तरीके से। अब कहिए, यहाँ तो एक कम हो जाता है ना? कम होता है, लेकिन जीरो कहता है हम वहाँ आएंगे। पहले घर में जीरो नहीं आ सकता था, लेकिन जीरो दूसरे घर में आएगा ना? मान लिया जाए पहले घर में हमने एक रख दिया, तो दूसरे घर में कौन बचेगा? दो तीन चार और जीरो भी। अब आगे घटने लगेगा, तो जीरो जब रहेगा तो ये ध्यान देना है, ये चार गुना चार का स्थिति कब आएगा? जब ये जीरो वाला बात आएगा तभी, नहीं तो चार के बाद हमेशा तीन आएगा। देखिए, पांच के बाद चार के बाद तीन के बाद दो है ना, यहाँ चार के बाद चार आने का रीजन क्या था? जीरो। तो यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा? 96। तो अब देख रहे हैं 120 संख्या और 96 संख्या, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 216। क्वेश्चन कहता है एक दो तीन चार पाँच से पांच अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है जो पांच से विभाज्य है? तो आपका आंसर होगा 216। 216 ऐसी संख्याएं होंगी जो पांच से विभाज्य होंगी। आइए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला सवाल आपका, देखिए अगला सवाल क्या कहता है। एक दो तीन चार पाँच में पांच अंकों की कितनी विषम संख्याएं बन सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो? अब यहाँ दो कंडीशन है। एक अलग कंडीशन क्या है कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो। अभी तक जो हम लोग सवाल देख रहे थे वहाँ अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं था, अंकों को दोहराना नहीं था, यहाँ अंकों को दोहराया जा सकता है। और क्या कंडीशन है? पांच अंकों वाली संख्या होनी चाहिए और विषम संख्या होना चाहिए। सबसे मूल बात क्या है? विषम संख्या। तो पांच अंकों वाली संख्याएं बनानी है तो सबसे पहला काम पांच घर बनाना है। अब विषम संख्या डिपेंड करता है इकाई अंक पर। इकाई अंक एक दो तीन चार, अभी ये सम संख्या है, अभी ये सम संख्या है, और यहां पांच दे दें तो ये विषम संख्या हो जाएगा, यानी इकाई अंक विषम होना चाहिए। यहाँ 6 दे दें तो फिर ये सम हो जाएगा, और यहाँ 7 दे दें या 1 दे दें तो फिर ये क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो विषम संख्या होने के लिए मात्र यही एक कंडीशन है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए। ये बात आप जान रहे हैं, तो बस यही सी बात का आपको यूज ले लेना है। एक तीन पाँच, यानी इस घर को भरने के लिए तीन ऑप्शन, या तो एक वहाँ हो, या तो तीन वहां हो, या तो पांच वहां हो। यानी इस घर को आप कितने तरीके से भर सकते हैं? तीन तरीके से, या तो एक हो, या तो तीन हो, या तो पांच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, विषम संख्या होगा। अब आइए पहले घर में कौन आएगा? तो पहले घर में पांचों आएगा। अब कहिए कि पहले घर में पांचों क्यों आएगा? कोई ना कोई यहां तो आ गया होगा, तो यहां तो चार होना चाहिए ना? चार तब होता जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, एक अंक को नहीं दोहराएंगे तब। यहां क्वेश्चन कह रहा है पुनरावृत्ति मतलब दोहराया जा सकता है, जो अंक यहां लिखे वही अंक यहां ले सकते हैं। मतलब इस घर के लिए पांच ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। इस घर में कितना ऑप्शन? तो इस घर में भी पांच ऑप्शन। इस घर को भी पांच तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि जो अंक यहां ले लिए यहां फिर ले सकते हैं, जो यहां ले लिए यहां फिर ले सकते हैं। तो अगले घर में भी पांच और अगले घर में भी पांच, आपका आंसर यह हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। इसको गुना कर लेंगे, इतनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो विषम होंगी पांच अंकों वाली। अब इसको गुना करेंगे तो 25 गुना 25 625 गुना 3
1875 आपका आंसर हो जाएगा 1875। शायद आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी तरह का कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि यहाँ इस जगह समझने में आपको कठिनाई हुई, ताकि अगले वीडियो में उस बात को फिर से एक बार देख लिया जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से 300 से बड़ी और 3000 से छोटी कितनी संख्याएं बन सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अब यहाँ फिर एक अलग कंडीशन, क्वेश्चन बोल रहा है 300 से बड़ी और 3000 से छोटी। 300 से बड़ी मतलब 305, 306 और यहाँ 2005 भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि कुछ संख्याएं होंगी जो तीन अंकों वाली होगी, 300 से बड़ी 600, 700, 800, 900 तीन अंकों वाली, और 3000 से छोटी मतलब 2000, 2500 जो भी संख्या होगा वो चार अंकों वाली। तो यहाँ आपको सबसे पहला बात क्या ध्यान देना है कि संख्या क्या होनी चाहिए, संख्या तीन अंकों वाली होनी चाहिए और संख्या चार अंकों वाली होनी चाहिए। संख्या तीन अंकों वाली और संख्या चार अंकों वाली होनी चाहिए। संख्याएं तीन अंकों वाली होंगी तो क्या होगी, और संख्याएं चार अंकों वाली होगी तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए, तीन अंकों वाली संख्याएं 300 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। 300 से बड़ी होने के लिए कंडीशन क्या है, देखिए, 300 से बड़ी होने के लिए ये तीनों इस घर में नहीं आ सकता है। जीरो तो नहीं, क्योंकि संख्या दो अंकों वाली हो जाएगी। अगर एक यहां ले लेंगे तो 100 समथिंग हो जाएगा जो 300 से छोटा होगा, दो यहां लेंगे तो 200 समथिंग हो जाएगा जो 300 से छोटा होगा। तो पहले घर में क्या ले सकते हैं, तीन, दूसरे घर में चार, तीसरे तीन ले सकते हैं, फिर चार ले सकते हैं, पांच दूसरे घर। पहले घर का बात कर रहे हैं हम लोग कि पहले घर में या तो तीन लेंगे, या तो चार लेंगे, या तो पांच लेंगे। तो कितना तरीका होगा, तीन। दूसरे घर में कितना तरीका होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 तरीका है, और कोई एक यहां आ गया होगा। तो इस घर में अब कितना तरीका बचेगा, 5। इस घर में कितना तरीका बचेगा, 4। यानी 5 चौक 20 दिया 60। 60 संख्याएं बनेगी जो तीन अंकों वाली होगी। लेकिन तीन अंकों वाली ही नहीं बनाना है, 3000 तक यानी चार अंकों वाली भी कुछ संख्या होंगी। तब हम यहाँ क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5। पहले घर में कौन नहीं आएगा, तो पहले घर में 0 नहीं आएगा। पहले घर में कौन नहीं आएगा, तो पहले घर में 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा। अब आप कहिए कि 3 को आने से क्या दिक्कत है, कि पहले घर में 3 आ गया तो दूसरे घर में 3 से कुछ और संख्या आएगा तो 3000 से बड़ा हो जाएगा ना। जैसे यहाँ हम 3 ले लेंगे और 1, 2, 0 ले लेंगे तो संख्या 3000 से बड़ा हो गया। तो 3000 से बड़ा संख्या हम लोग को नहीं करना है, तो 3 भी नहीं ले सकते हैं। तो पहले घर में किसको ले सकते हैं, 1 और 2 को। कितने तरीके से, दो तरीके से। अब दूसरा घर में कौन आएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन हमारे पास था, और कोई एक इसमें आ गया होगा, तो बचेगा कितना, 5। आगे कितना बचेगा, 4। आगे कितना बचेगा, 3। चार अंकों वाली कितनी संख्या होंगी, तो 4 × 12 × 10 = 120। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 180। यानी कितनी संख्याएं होंगी जो 300 से 3000 के बीच होगी, तो हमारा आंसर होगा 180। हमारा आंसर होगा 180, ये आपका आंसर है। कहीं कोई शायद परेशानी ना हो, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। ए 0, 1, 2, 3, 4 तथा 5 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है जो 3 से विभाज्य हो। अब आइए फिर अलग कंडीशन, कंडीशन चेंज होता रहेगा और यही काम आपका है। और जो कंडीशन है उससे आप परिचित हैं, 3 से कटना सम संख्या, विषम संख्या, 5 से कटना क्या है आप नहीं जानते हैं, ये आप जानते हैं। उसी का यूज लेना है, जो कंडीशन आप जानते हैं उसी को फुलफिल करने का कोशिश करना है। बाद बाकी इस चैप्टर का कंसेप्ट तो आपको मिल ही गया है। आइए 5 अंकों वाली, तो सीधा सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला, 5 अंकों वाली, तो हमारा काम 5 खाली स्थान लेना है और
पांच अंक अंकों वाली संख्याएं बनानी है जो तीन से विभाज्य है। अब तीन से विभाज्य होने के लिए आप जानते हैं क्या होना चाहिए। तीन से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग तीन से कटना चाहिए, एक दो तीन चार पाँच, इन सभी को जोड़िए, पाँच चार नौ, नौ तीन बारह, चौदह एक पंद्रह, ये अब इससे जो संख्या बनेगा ना, कितना भी उल्टा पुल्टा करके संख्या बना लें, इस अंकों को उलट कर कितना भी संख्या बना लें, सभी संख्या तीन से कटेगा। क्यों? क्योंकि अंकों का योग तीन से कट रहा है। इस एक को उठाकर उधर रख देंगे, इस चार को उठाकर इधर रख देंगे, कोई भी संख्या बना लीजिए, तीन से कटना ही कटना है, ये बात आप जानते हैं। अंकों का योग तीन से कट रहा है तो संख्या भी तीन से कटेगा। तो इससे संख्या बनाइए। अब इससे संख्या, अब कहिए कि आप जीरो क्यों छोड़ दिए, जीरो पर भी हम आएंगे, पहले इसको देखते हैं। पहले घर को कितने तरीके से भर सकते हैं, पाँच, दूसरे घर को चार, तीन, दो और एक। तो पाँच चौक बीस, दिया साठ, दोना एक सौ बीस। अभी तक आपके पास कितना संख्या आया, एक सौ बीस। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक दो तीन चार पाँच ही हो, वो तीन से कटने वाला होना चाहिए। तो ये अंकों का योग पंद्रह है, तो अंकों का योग अठारह होना चाहिए, अंकों का योग बारह होना चाहिए। अंकों का योग पंद्रह है, पंद्रह तीन से कट रहा है, अंकों का योग 18 होगा तो भी तीन से कटेगा। तो अंकों का योग 18 होगा ही नहीं, क्योंकि इससे बड़ा संख्या ही नहीं है, जीरो एक दो तीन चार पाँच, 18 कभी होगा ही नहीं। हाँ 15 है, 12 हो सकता है, कैसे, जैसे ये लीजिए, एक दो शून्य चार और पाँच, इसको जोड़िए तो क्या आता है, इसको जोड़िएगा तो ये 12 होगा, पाँच चार नौ तीन बारह, यानी अंकों का योग क्या हो रहा है, 12, यानी 12 तीन से कट रहा है तो संख्याएं तीन से विभक्त होंगी। तो ये भी एक कंडीशन होगा, इन सभी संख्याओं से जब संख्या, इन सभी अंकों से जब संख्या बनाएंगे तो वो भी तीन से विभक्त होगा निसंदेह। तो हम लोग इससे भी बनाते हैं, तब क्या लिखेंगे, ध्यान देना है। अब इससे जब संख्या बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले घर में जीरो को नहीं लेना है, पहले घर में जीरो को नहीं लेना है, क्योंकि पहले घर में जीरो को ले लिए तो संख्याएं चार अंकों वाली हो जाएगी, तो कंडीशन फेल। तो पहले घर में कौन आएगा, पहले घर में कौन आएगा, तो पहले घर में एक दो चार पाँच, कितने तरीके से, चार तरीके से। दूसरे घर में कितना तरीका, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चार तरीका, क्योंकि कोई एक यहाँ आ गया होगा, फिर अगले घर में जीरो तो आएगा ना, फिर आगे क्या होगा, तीन, ये बात आप समझ गए होंगे। ये झंझट कब होता है, जब जीरो आता है। तो चार चौक सोलह, और सोलह छक छियानवे, तो इसको जोड़ेंगे तो ये छः होगा और ये 216, यानी कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है, पांच अंकों की संख्याएं होनी चाहिए, तीन से विभक्त होनी चाहिए। तो तीन से विभक्त होने वाली पांच अंकों की कितनी संख्याएं होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, 216। यहाँ हमने एक बार फिर से समझ ली, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने सबसे पहले वो संख्या लिया जो तीन से, जिसका योग तीन से कट रहा है, योग कितना हो रहा है यहाँ, 15, और 15 योग हो रहा है तो तीन से कटेगा, तो इससे संख्या बना दिया हम। अब हमने कहा कि 18 होगा तो भी तीन से कटेगा, लेकिन 18 कभी होगा नहीं, क्योंकि इससे बड़ा संख्या होगा नहीं, इससे बड़ा संख्या कोई है नहीं। तो 18 नहीं होगा तो 12 तो हो सकता है, 18 नहीं होगा तो 12 तो हो सकता है, तो 12 कब होगा, तो जीरो को लाएंगे और तीन को हटा देंगे तब तो 12 होगा, अभी 15 था, तीन हटा दिए, जीरो ले आए, तो संख्या पाँच हो गया, अंकों का योग 12 हो गया, तो ये विभक्त हो रहा है तीन से, ये तीन से विभक्त हो रहा है, तो उससे कितनी संख्याएं बनेगी, उससे कितनी संख्याएं, तो 96, टोटल संख्या क्या होगी, दोनों को जोड़ लेंगे 216। आइए हम लोग अगले सवाल में, ऐसे ही कंडीशन को धीरे धीरे फुलफिल करते रहेंगे तो आपका खुद पकड़ हो जाएगा, अगला नया क्वेश्चन भी आएगा तो आप करने सीख जाइएगा, आप कुछ क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, आप इसको देखने के बाद आपके पास जो भी बुक है उसका क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, आपका दिमाग स्वतः वहां चलने लगेगा, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा था वो स्वतः बनने लगेगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें जिसमें शायद कुछ अलग कंडीशन हो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 10,000 से बड़ी सम संख्याएं बनाई जा सकती है जिसमें कोई अंक दोबारा ना आए, 10,000 से बड़ी, एक दो तीन चार पाँच, यानी संख्या पाँच अंकों वाली बननी चाहिए, संख्याएं पाँच अंकों वाली बननी चाहिए।
संख्याएं पांच अंकों वाले बननी चाहिए और संख्याएं सम होनी चाहिए। सम होने के लिए क्या कंडीशन है आप जानते हैं, इकाई अंक क्या हो, जीरो हो, दो हो, चार हो, अगर ये सब हो तो संख्याएं सम होंगी, ये बात आप जानते हैं। तो पहले घर में आप क्या कीजिए, पहले घर में जीरो को फिक्स कर दीजिए। अगर इकाई अंक जीरो हो गया है तो क्या होगा, अब आइए, क्योंकि जीरो का कंडीशन अलग हो जाता है और दो का कंडीशन अलग हो जाता है, ये आप देख चुके हैं। तो जीरो को अलग से चेक करना होगा, दो और चार को एक ही बार हम लोग चेक कर देंगे, क्योंकि जो गुण दो का होगा वही गुण चार का होगा, लेकिन जीरो का वो बात नहीं आएगा, क्योंकि जीरो यहाँ यहाँ पहले घर में नहीं आता, ये बात आप जानते हैं। इसीलिए जीरो को सेपरेट अलग से रखना होगा कि जीरो यहाँ होगा तो क्या होगा। तो जीरो यहाँ होगा तो क्या यहाँ बचेगा, एक दो तीन चार, कितने तरीके से, चार तरीके से, यहाँ तीन, यहाँ दो और यहाँ, कितना आंसर होगा, चार या बारह दूना चौबीस, यानी चौबीस संख्याएं होगी। चौबीस संख्याएं होंगी कब, जब इकाई अंक जीरो हो, लेकिन इकाई अंक दो भी तो हो सकता है, इकाई अंक दो भी तो हो सकता है, और दो ले लीजिए, चार ले लीजिए, या दोनों को एक ही बार ले लीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या सिर्फ दो यहां पुट कीजिए, सिर्फ दो को ही रखिए। तो इस घर में कौन आएगा, तो इस घर में चार नहीं आएगा, क्योंकि दो आपने यहां रखा, जीरो एक दो तीन चार, अब दो यहां आपने रख लिया तो पहला घर में दो नहीं आएगा और पहला घर में जीरो भी नहीं आएगा, तो पहला घर में आएगा कौन, पहला घर में तीन तरीका, फिर दूसरे घर में भी कितना तरीका, तीन तरीका, क्योंकि दूसरे इस घर में कोई आ गया होगा तो जीरो तो इस घर में आएगा, तो फिर अगले घर में दो तरीका, फिर एक तरीका, तो कितना तरीका हुआ, तीन दुना तीन तिया नौ दुना अठारह। तो हम कह रहे हैं यहाँ दो रखने से अठारह आया, तो चार भी रखेंगे तो अठारह आएगा, तो हमारा कुल आंसर कितना हो जाएगा, अठारह अठारह छत्तीस, छत्तीस चार चालीस, बीस साठ, कुल संख्या कितना बनेगा, साठ। देखिए हमने क्या किया कि हमने जीरो को पहले रखा, जीरो रखने से चौबीस संख्या बन रहा है, अब दो यहां रखने से क्या होगा, तो दो रखने से अठारह संख्या बनेगा, तो चार रखेंगे तो भी अठारह संख्या बनेगा, या दो और चार को आप एक ही बार रख सकते थे, दो और चार को आप एक ही बार रख सकते थे, तो यहां दो ऑप्शन हो जाता, तो यहां गुना दो हो जाता तो डायरेक्ट छत्तीस आ जाता, या बारी बारी से कर लीजिए आपकी मर्जी। आइए आपका आंसर साठ होगा, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चार पाँच छः नौ अंकों से 500 से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिसमें कोई भी अंक दोबारा ना आए। इस तरह का क्वेश्चन आप बना चुके हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करके आप खुद भेजेंगे। आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, अंकों से छः अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, ये भी वही सवाल है जो आप सीखे हैं। फिर आगे सवाल लेते हैं, आगे है जीरो एक दो तीन चार पाँच छः सात अंकों से तीन अंकों की कितनी संख्या है, हालांकि ये भी सवाल आप बना चुके हैं लेकिन एक बार और आप देख लीजिए। सवाल क्या कहता है, जीरो एक दो नहीं है तीन है, जीरो एक तीन चार पाँच सात से तीन अंकों वाली संख्या बनानी है। तो तीन अंकों वाली संख्या बनाएंगे तो पहले घर में कौन आएगा, तो पहले घर में ये नहीं आएगा, तो आएगा कौन, एक दो तीन चार पाँच, कितने तरीके से, पांच तरीके से। दूसरे घर में फिर पांच तरीका हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई इसमें आ गया होगा तो चार होना चाहिए, और जीरो फिर उसमें आएगा तो फिर पांच हो जाएगा, और अगले घर में चार, पच्चीस चौक सौ, यानी आपका आंसर होगा सौ। यानी तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं बन सकती है जो इन सभी से बनना है, तो आपका आंसर क्या होगा, एक सौ। इस तरह का हम लोग काफी सवाल देख चुके हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में कुछ ऐसे सवाल को देखेंगे, इस तरह का सवाल काफी पूछ रहा है, जैसे एक प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न हैं, सबका चार विकल्प है, और उन प्रश्नों को कितने तरीके से हल किया जा सकता है। इस तरह का सवाल कि हमारे पास चार पुरस्कार है और इन पुरस्कारों को 10 विद्यार्थियों में बांटा जाना है, जबकि एक विद्यार्थी एक से अधिक पुरस्कार नहीं ले सकता, कितने तरीके से होगा, इस तरह का भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है। 10 अंकों का ताला, एक लॉक अंकीय ताला होता है ना, उसको लॉक करने का कितना तरीका होगा, कितने तरीके से उसे नहीं खोल पाएंगे, इस तरह का भी बहुत सारा सवाल अभी बाकी है। हम लोग अगले वीडियो में उन सारे सवालों के साथ मिलेंगे। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।